माता मरियम के जन्मदिन के अवसर पर सभी भाई बहनों को बधाइयाँ, अभिनंदन। हम सब अपनी माताओं का जन्मदिन मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो क्यों ना हम अपने माँ की, जो स्वर्ग में हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है और हमारे लिए सहायता पहुँचाती है, उनकी याद करें और उनको धन्यवाद दें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, ये उचित ही है। वैसे माँ मरियम हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा बरसाने के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। वो हमारी माता है, हम सबको प्यार करती है। माँ मरियम को हम कह सकते हैं वो प्रभात का तारा है, जो प्रभु यीशु जो सूरज है उनके उदय के पहले माँ मरियम का उदय क्षितिज में आए। तो वो प्रभात का तारा हम सबों के लिए ये संकेत देता है कि मुक्तिदाता आने वाला है। मुक्तिदाता का आने के पहले उनकी माँ का जन्म हम सबों के लिए आनंद का समय है। इसलिए बड़े तादाद में विश्वासीगण, भक्तजन नौ दिना प्रार्थना के द्वारा माँ मरियम के जन्म के लिए तैयारी करते हैं और प्रार्थना के द्वारा अपने को और अपने हृदय को सजाते हैं। तो आज जब हम उनके जन्मदिन मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं, खुशी जताते हैं और माँ को धन्यवाद देते हैं। और जैसे माँ हमारी सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे लिए प्रभु से वरदान दिलाती है, तो हमारे लिए आनंद मनाना उचित ही है और माँ को धन्यवाद देना उचित ही है। तो आइए भाइयों बहनों, हम माँ को धन्यवाद दें, माँ की प्रशंसा करें, माँ के साथ आनंद मनाएं और सभी विश्वासियों के साथ ये त्यौहार मनाते हुए हम माँ को धन्य कहें। माँ के जन्मदिन के अवसर पर सभी भाई बहनों को अभिनंदन, बधाइयाँ, सबको धन्यवाद। जय श्री।